आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस में। आज हम बात करेंगे थायराइड की, जो कि पहले भी मैंने वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और यहाँ पर आई बटन भी लगा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख लीजिए, क्योंकि वो पहले देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या सिम्टम्स होते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन और एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो सबसे पहले है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड जो हमारा है वो अंडर एक्टिव हो जाता है और जिससे इम्यून सिस्टम हमारा लो होने लग जाता है और इसमें हमारा वेट जो है गेन होता है और साथ में हमारा हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, स्किन जो हमारी ड्राई होती है, हेयर फॉल्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, सेंसिटिव हो जाते हैं कोल्ड के लिए और बहुत ज़्यादा हमको डलनेस डिजीनेस रहती है। तो ये कुछ सिम्टम है हाइपोथायरॉयडिज्म के। हाइपरथायरॉयडिज्म में उसका अपोजिट होता है, क्योंकि उसमें ओवर एक्टिव हो जाता है थायराइड और इसमें जो हमारा बॉडी वेट है वो लूज होने लग जाता है, अननेसेसरी हम लूज करते हैं वेट को, साथ में हमको जो हार्ट रेट रहता है वो स्लो हो जाता है, एंजाइटी बहुत रहती है, साथ में हमारे हेयर लॉस होते हैं, स्किन जो है ईचिंग होती है और इरेप्शंस आ जाते हैं। तो ये कुछ हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम थे और वो हाइपोथायरॉयडिज्म के। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो हमको ऐसा लगता है शायद विटामिन मिनरल्स की कमी हो रही है, इसकी वजह से हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपका सबसे सिंपल सोल्यूशन है कि आप एक बार टेस्ट करा दें तो आप क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, अगर आपके साइन एंड सिम्टम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मैं जो बता रही हूँ अगर लगता है कि आपके सिम्टम इससे नहीं मिलते तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ में मैं कुछ ऐसी मेडिसिन भी बताऊंगी जो थायराइड में आप लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हमेशा साथ में लेनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली आती है नेट्रम्यूर 30, जिसमें आप हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम देखे जाते हैं, जिसमें कि आपका वेट लॉस होता रहता है, साथ में आप नमक की क्रेविंग ज्यादा हो जाती है, डिप्रेशन फील होता है, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, एंजाइटी रहती है आपको, तो आप नेट्रम्यूर 32 ड्रॉप्स रंग में दिन में दो बार डाल लीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। नेक्स्ट है आयोडम 30 भी हाइपरथायरॉयडिज्म में काम करती है, ये डिफर करती है नेट्रम्यूर से। नेट्रम्यूर में एंजाइटी डिप्रेशन ज्यादा रहता है, आयोडम में ऐसा नहीं रहता है। तो आयोडम 30 आप लेंगे 2 ड्रॉप्स रंग में दिन में दो बार। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैल्केरिया काफ हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत अच्छा काम करती है। हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, आपकी बॉडी हैवी हो रही है, आप वेट गेन करते जा रहे हैं, साथ में डलनेस डिजीनेस रहती है, कुछ काम करने में मन नहीं रखता है, तो आप हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए कैल्केरिया का 30 लीजिएगा, 2 ड्रॉप्स टंग में कुछ दिन तक डालेंगे, आपको फायदा होने लग जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है लेगेसिस 30, ये मीनोपोजल की एज में लेडीज को अगर थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो वीक में दो बार लेनी है ये मेडिसिन, वीक में दो बार टंग में डाल लीजिए, जैसे आपने वेनसडे को लिया तो फिर सैटरडे को आप ले लीजिए, टंग में 2 ड्रॉप्स डालिए, दिन में दो बार कुछ वीक्स तक आप डालेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सिटीला 30, ये जैसे मेनोपॉज़ में काम करती है लैकेसिस, वैसे पल्सिटीला जो है ये काम करती है प्यूबर्टी के टाइम, मेल फीमेल कोई भी हो अगर उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है उस टाइम पे, तो आप तो पल्सिटीला 30 वही वीक में दो बार लेनी है, कुछ दिन तक लेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। साथ में आप एक पैटेंट मेडिसिन आती है R51 रिकविक की R51 आती है, उसको हाफ कप ऑफ पानी में 15 ड्रॉप्स डाल के दिन में 3 बार लीजिएगा, कुछ दिन तक लेना है आपको। साथ में थायरोडिनम 30 एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, थायरोडिनम 30 आप दिन में दो बार टंग में ड्रॉप्स डाल लीजिए, कुछ दिन तक लेना है आपको। और ये सारी जो मेडिसिन्स है ये मेडिसिन्स आपको हमेशा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही आपका थायराइड कम आने लग जाएगा धीरे धीरे आपको छोड़ना। और अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो जो भी एमजी में आप ले रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, जब आप फर्स्ट स्टार्ट करें और नेक्स्ट टाइम जब भी आप थायराइड टेस्ट कराएं तो वो एमजी को आप कम कर दीजिए और होम्योपैथिक मेडिसिन को चलने दीजिए, धीरे धीरे करके एलोपैथिक मेडिसिन कम हो जाएगी और होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी
रोल करने लग जाएगी और धीरे से आप बंद कर दीजिए जब भी आपका नॉर्मल आ जाएगा थायराइड लेवल। और होम्योपैथिक मेडिसिन भी जैसे ही आपका नॉर्मल आता है तो 5-6 दिन बाद आप लेके उसको स्टॉप कर सकते हैं, जिससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा होम्योपैथिक मेडिसिन में। और अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम इन मेडिसिन से नहीं मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, आपके जो भी सिम्टम है मैं उसकी मेडिसिन आपको दे दूंगी, नहीं तो कोई भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाके आप ले सकते हैं। साथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, ये पॉइंट है आपके थम के यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे आपको प्रेस करना है दिन में 4 टाइम। ऐसा कुछ दिन तक करेंगे तो थायराइड लेवल डेफिनेटली कम होता जाएगा। और इसका पिक्चर भी मैंने लगाया है, ये आप करके देखिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल है या किसी के लिए यूजफुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन को दबा दीजिए, मैं ऐसे ही नॉलेजेबल आपको हेल्प करने वाले वीडियोस लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।